to all of you. My name is Ankita Sharma and by profession I am an MC. So basically, अब यहाँ पर सभी को अपनी जर्नी शेयर करनी है कि हाउ वी स्टार्टेड दिस. तो बहुत ही फनी और बहुत ही मैजिकल जर्नी आई वुड से. तो जब मैं छोटी थी, आई वॉज अ बास्केटबॉल प्लेयर. मेरी हाइट देखकर वैसे कोई बोलता नहीं है कि आई वॉज गुड विद बास्केटबॉल एंड एवरी थिंग, बट आई हैव प्लेड 8 times states एंड 1 time नेशनल एंड आई हैव रिप्रेजेंटेड माई स्टेट एंड आवर कंट्री एट वेरी गुड लेवल. तो जब मैं बास्केटबॉल खेलती थी, आई वॉज वेरी टॉमबॉयश काइंड ऑफ अ गर्ल. तो जब भी हमारा प्रैक्टिस सेशन होता था, दैट वॉज द परफेक्ट एस्केप फॉर मी. पढ़ाई में मेरा कभी इंटरेस्ट था नहीं, तो आई चूज बास्केटबॉल ओवर स्टडीज. कि मुझे पता था कि बास्केटबॉल के थ्रू मुझे कई मेरे प्रमोट कर रहे हैं एंड एवरीथिंग इज गोइंग वेल. सो बास्केटबॉल खेलने के टाइम पे आई यूज टू वेयर स्मॉल शॉर्ट्स एंड एवरीथिंग एंड everyone was happy and perfectly fine with my outfit and everything, because I was not that good looking at that time, I would say. So सभी लोगों को लगता था कि ठीक है, बास्केटबॉल खेल रही है, ज़्यादा अच्छा नहीं दिखती है, छोटे कपड़े भी पहन लिए चलेगा, परफेक्टली फाइन. तो स्कूल टाइम पर ये सारी चीज़ें चलती रहती थी. अब सडनली माई होल फैमिली बैकग्राउंड इज फोटोग्राफी फैमिली. Everyone loves to click photographs. So it's in my gene, it's in my blood. तो कहीं ना कहीं वो connection हमेशा से था media से. I love to get clicked, उस time भी था. तो कहीं ना कहीं एक बार I was returning from my tournament and I heard one thing. Ankita is a very good player, but she's not that good looking. और ठीक है, आगे जाकर भी अगर कभी लड़की बन गई तो देखेंगे क्या होता है, अदरवाइज वी कैन प्रमोट अनदर गर्ल. सो दे वर प्रमोटिंग, उनका एक क्राइटेरिया था कि जो कम भी अच्छा खेल रही है बट शी इज गुड लुकिंग, सो वी कैन प्रमोट हर. और वो बात आ गई दिल पे कि ये तो बहुत गलत हो रहा है, कि ये मतलब ऐसा कैसे. सो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ. तो अब लोगों को दूसरी चिंता सताने लग गई. अब वो दूसरी चिंता ये थी कि अब ये लड़की भी बन गई है. लड़की मैं तभी भी थी, बट आई स्टार्टेड लुकिंग लाइक अ प्रॉपर गर्ल. आई यूज टू ड्रेस अप लाइक दैट. अब लोगों को ये था कि अच्छी लगने लग गई है, खेल भी रही है, अब इसे आगे प्रमोट करेंगे तो बाकी चीज़ों का क्या होगा. मतलब हमें बाहर जाना अलाउड था नहीं हमारी फैमिली में. सो अब हमारी फैमिली कंसर्न ये स्टार्ट हो गई कि इसे बाहर कैसे भेजा जाएगा. तब मेरे ईगो पे ये एक और स्पॉट था कि ठीक है, अब मैं अपने आप पर काम भी कर रही हूँ, बाकी सारी चीज़ें कर रही हूँ, बट प्रॉब्लम ये है कि आप बाहर नहीं जा सकते. आई चूज मास कम्युनिकेशन कि ठीक है, बाकी सारी चीज़ों से भी कनेक्टेड रहेंगे. एंड आई हैव दिस चेरी पॉइंट विद मी कि बास्केटबॉल कोटा के थ्रू दिल्ली जाने का परफेक्ट रास्ता था. कि बास्केटबॉल कोटा के थ्रू जामिया में एडमिशन मिल रहा है, DU में एडमिशन मिलेगा और वहाँ जाके अपनी आगे की आगे क्या करना है डिसाइड कर लेंगे. तो आई बिलोंग टू अ वेरी कंजर्वेटिव मिडिल क्लास फैमिली. तो जब बाहर जाने की बात होती है 12th के बाद, तो मेन जो फैमिली ड्रामा होता है वो इस टाइम स्टार्ट होता है. टिपिकल फैमिली ड्रामा. दादी का BP लो हो गया, मम्मी बेहोश हो रही है कॉल लेटर देख के, और उसके बाद बात हो रही है कि भाई न्यूज नहीं देखते हो क्या, कितना दिल्ली में कितना क्राइम है, इतनी छोटी सी है कैसे सरवाइव करेगी. ठीक है, तो एक डील हुई उस दिन जब मेरा कॉल लेटर फाड़ा गया कि अभी आप, आई एम फ्रॉम कोटा. सॉरी, मुझे सबसे पहले स्टार्टिंग में बताना चाहिए था. सो कोटा का ऑर्डर ही ऐसा है कि आपके नाम के पीछे अगर कोटा राजस्थान लिखा है तो आप बाहर पढ़ने जा ही नहीं सकते, बिकॉज इट्स एन एजुकेशनल हब. जब दुनिया वाले मान रहे हैं कि कोटा में आप पढ़ने आओ तो तुम बाहर कैसे जा सकते हो, तुम कौन सी खेत की मूली हो जो बाहर जाके तुम नया का नाम कमाओगे. नहीं, बी एन इंजीनियर और चूज सम अदर स्ट्रीम. तो अब मैं साइंस में स्टूडेंट थी, आई पास एवरीथिंग समहाउ. अब मुझे बोला गया एक डिग्री ले लो, उसके बाद तुम्हें जो करना है करो. ठीक है, अब BTech करनी पड़ी क्योंकि कोटा की हवा ऐसी है. सो आई चूज BTech. BTech में मैंने somehow पहला साल दूसरा साल निकाला. अब इट्स ऑल डेस्टिनी, इट्स ऑल फेक्स ओवर हियर.
आप काम कर रहे हो, बचपन से मैं उसी चीज पे काम कर रही हूँ. आई एम डूइंग एवरीथिंग. आई रोट व्लॉग्स फॉर दैनिक भास्कर पत्रिका एंड सो मेनी अदर न्यूज पेपर्स. मैंने आर्टिस्ट मैनेजमेंट भी किया है. आई स्टार्टेड गिविंग कोचिंग फ्रॉम माई 8th क्लास. आई डिड ईच एंड एवरीथिंग टू अर्न मनी टू फुलफिल माई ओन ड्रीम्स. सो आई वॉज वर्किंग हार्ड विथ एवरीथिंग. सो बोलता है कि आप जस्ट काम करो, बाकी सारी चीज़ें होती रहेगी, अपने आप होगी. जस्ट डू योर जॉब विद लॉयल्टी एंड पैशन. सो मेरे कॉलेज में भी मुझे वही अपॉर्चुनिटी मिली, क्योंकि कॉलेज में आर्किटेक्चर फेस्ट ऑर्गेनाइज होते हैं हर साल. सो मुझे बनाया गया उसका प्रेसिडेंट. आई यूज टू टेक केयर ऑफ एवरी फेस्ट जो भी वहाँ पर होता था. आई पास आउट फ्रॉम महर्षि अर्बन. तो उसका हेड ब्रांच यहाँ पर था जयपुर मानसरोवर, बट कोटा में भी उसका एक ब्रांच है. सो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया. आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू ऑर्गेनाइज 3 ब्यूटिफुल फेस्ट ऑफ माय एंटायर कॉलेज जर्नी. उसके बाद मेरे एक सीनियर थे. नाउ अब मेरा जो एमसी का जर्नी है कहाँ से स्टार्ट हुआ आपको पता लगेगा. सो मेरे जो सीनियर थे वो ऑलरेडी इस प्रोफेशन को जी रहे थे. आई वुड से जी रहे थे. एंड एवरी गर्ल ऑफ माई कॉलेज यूज टू एडमायर हिम लाइक ही सो हॉट. ये कैसे मैनेज करता है, ये अभी काम कर रहा है लेकिन हाउ इज ही डूइंग ईच एंड एवरीथिंग सो परफेक्टली. उसके पास कार है, एवरी डे नए कपड़े, चांद है, सब कुछ है, एवरीथिंग इज परफेक्टली फाइन. और मैं बिल्कुल इग्नोर इसलिए कर देती थी कि ठीक है अभी अपना वो टाइम नहीं है, आएगा तो खुद आएगा. और मुझे एग्जैक्टली पता ही नहीं है एंकर करते क्या है यार, मुझे नहीं पता. क्योंकि मुझे मास कम्युनिकेशन का मतलब एकदम मुझे रिपोर्टर बनना है. आई हैड माई विजन क्लियर कि मुझे रिपोर्टर ही बनना है, वहीं पे नेम और फेम मिलेगा. वन डे हमारा फेस्ट खत्म होने वाला है एंड दैट गाय केम टू मी. यार तुम काम तो बहुत बढ़िया कर लेती हो, तुम जानती हो मैं कौन हूँ. सो हमारे एचडी कॉल में ये बहुत बुरी सेइंग है, अगर आप अपने बॉस को या सुपर बॉस को एज अ बॉस ट्रीट नहीं कर रहे हो तो आपको पेनल्टी देना पड़ेगा. ये चला आ रहा है हमेशा से. तो उन्होंने बोला नहीं जानते आप, नाम नहीं जानते, उन्होंने नहीं जानते. ठीक है तो मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ, जस्ट डू इट. अगर अच्छा कुछ होता है तो आई प्रमोट यू एंड टेक इट एज माई गिफ्ट फॉर यू, बिकॉज मैंने आपको देखा है एंड यू डू एवरीथिंग सो परफेक्टली सो फाइन और आपको इस सारी चीज़ों का आइडिया है. सो उन्होंने बेसिकली क्या किया था, एक ही दिन के 3 इवेंट लिए थे, मॉर्निंग स्लॉट, इवनिंग स्लॉट और इवनिंग स्लॉट के 2 इवेंट थे. तो ही सेड ऑन माय बिहाफ जस्ट गो देयर एंड होल्ड दैट इवेंट. शाम को उसका बेनिफिट मुझे ये हुआ, मुझे फ्री शॉपिंग मिली, उन्होंने मेरे लिए कपड़े खरीदे. ही डिड ईच एंड एवरीथिंग फॉर मी, जस्ट गो एंड गेट रेडी एंड होल्ड दैट इवेंट. That was the very first day I hosted that संगीत. अब यहाँ की जयपुर की सबसे chaotic एयरपोर्ट लैंडिंग की मैं बात करती हूँ. ये उसी इवेंट के थ्रू है जिसमें सलमान, भाग्यश्री, तुषार कपूर, देयर वर सो मेनी सेलिब्रिटी ओवर देयर. और वो इवेंट था झुंझुनू बिसाऊ के आगे जाकर किसी शेखावटी गांव में, और मुझे वहाँ भेज दिया गया. 25,000 पब्लिक, पता नहीं कौन कौन से गांव से लोग आए हुए थे, बट जिनकी शादी थी, ही वाज़ द ओनर ऑफ द वेडिंग, ही वाज़ फ्रॉम मुंबई एंड ही ऑर्गेनाइज्ड दैट टिपिकल ट्रेडिशनल वेडिंग ओवर देयर. और उनके दोस्तों में थे सलमान खान, तुषार कपूर, ये सब उनकी क्लोज फ्रेंड्स में थे, तो वो लोग डायरेक्टली वहां पर आने वाले थे. लिटरली उनके आने का सिर्फ उन्होंने आधा रास्ता पार किया एंड आफ्टर दैट लोगों ने बैरियर तोड़ दिए, सारी चीजें तोड़ दी एंड आई वॉज दी ओनली वन स्टैंडिंग ऑन दी स्टेज. और सभी लोगों को वहां के लोग उठा उठा कर लेके जा रहे थे, ये बैरियर नहीं लगने चाहिए यहाँ पर, सलमान खान से मिलना है. आई वॉज दी ओनली गर्ल होता है. तब मुझे उन्हीं की फैमिली में उनके भाई थे, उन्होंने मुझे 5 फुट की दीवार ऐसे पकड़ के ऐसे कुदाई, बोला कहीं भी छुप जाओ, कहीं भी छुप जाओ. आफ्टर दैट नाइट, सिंस दैट हैपेंड टिल
4 a.m. in the morning, I was hiding under the Scorpio. And everyone was so chilled out. सब लोगों का अपना अपना हो चुका है. आदित्य एक्ट्रेस जितनी आई थी वो आदित्य रस्ते से लौट गई. सलमान खान भाई ने ऊपर से हाथ ला दिया, वो आई एम कमिंग. बाकी सारी चीजें खत्म हो गई. उसके बाद हमारे इवन मैनेजर हमें फोन करते हैं, वेयर आर यू, मतलब वेयर आर यू, आप मुझे बताएं कि हम लोग बस निकलने की तैयारी कर रहे हैं, सर कहाँ से निकल रहे हैं, मुझे भी ले चलो कहीं, मतलब मुझे भी छोड़ दो. So just because of that bravery, उन्होंने मुझे बोला कि now we can say you can handle any kind of cloud. अब आपको हम काम देना start करेंगे. पहला मुझे चाहिए नहीं, मुझे मांगता ही नहीं है. तो बोलते नहीं. इसके बाद he was a very good person. अभी भी वो बहुत अच्छे हैं. उन्होंने मेरा एंकर करियर start करवाया. उसके बाद से मुझे throughout the journey काफी अच्छे shows दिए और अभी भी मुझे shows मिल रहे हैं. Because I love to connect with people. ये तो journey है. अभी भी चल रही है ये स्टोरी, अभी तक है. लेकिन उसके बाद एग्जैक्टली क्या हुआ, मेन पॉइंट ये है कि मैंने कभी भी मेरे सेक्रीफाइसेस को लेकर किसी को ब्लेम नहीं किया. दैट वाज द वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई हैव डन. डिग्री लेना बहुत जरूरी था, दैट्स वेरी ट्रू. तो डिग्री ली बट आई एम पर्सुइंग माय पैशन. तो ये चेकलिस्ट हो गई मेरे लिए. आई never disrespect anyone, जो कि हमारी फैमिली में सिखाई है. मेरा दूसरा पॉइंट है वो कभी भी होगा भी नहीं. तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आज तक मेरी जर्नी में सब जगह हेल्प कर रही हैं और हमेशा ही हेल्प करती रहेंगी. बिकॉज आप जितना स्ट्रगल करते हो, आप जितने लोगों से मिलते हो, आप जैसे कि सर ने बोला, सर अब चले गए, आप एनर्जीज कलेक्ट करते हो. सो अब इतना टाइम हो गया है तो मुझे खुद ये देख कर समझ आता है, या मैं लोगों से मिलती हूँ, मैं डेली इवेंट पे होती हूँ, मैं बहुत तरीके के लोगों से मिलती हूँ. नाउ आई कैन अंडरस्टैंड द पीपल इफ ही इज स्टैंडिंग लाइक 4 feet और 5 feet अवे फ्रॉम मी. सो आई कैन गेट कि उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा जस्ट विद द एक्सप्रेशन. सो इन 8 सालों में, इट्स बीन 8 years नाउ, इन 8 सालों में मुझे ये सबसे अच्छी चीज देखने को और सीखने को मिली है. कभी भी किसी को देख कर बिना बात किए जज मत करो. टिल द टाइम यू आर नॉट कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट अबाउट द थिंकिंग दैट यू हैव इट इन योर माइंड, जब तक आपके दिमाग में वो क्लैरिटी नहीं है. अब मेरे दिमाग में ये जो क्लैरिटी की मैं बात कर रही हूँ कि मुझे दूर से देखकर पता लग गया था. बिकॉज जितने लोगों से आप मिलोगे उतनी ज़्यादा नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी. एंड आज मुझे लगा नहीं था कि रेनो मैम मुझे अप्रोच करेंगी, बट शी अप्रोच मी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर दैट. और मुझे बहुत अच्छा लगा. थोड़ा सा लेट हूँ मैं, सो सॉरी फॉर दैट. और बाकी जर्नी चल रही है, चलती रहेगी. एंड मैं सिर्फ आज में जीना पसंद करती हूँ. फ्यूचर में जो होगा दैट विल बी अ डिफरेंट थिंग. सेट योर गोल, वर्क फॉर इट विद लॉयल्टी एंड पैशन. जब तक वो लॉयल्टी नहीं आएगी, डोंट फेक योर सेल्फ, डोंट फेक फॉर योर पैशन. अगर आप खुद से धोखा कर दोगे जिस दिन, उस दिन आप कुछ भी मांग लो वो कभी नहीं मिलेगा. जिस दिन से आप अपने लिए, अपने गोल के लिए, अपने लोगों के लिए जितना ज्यादा लॉयल हो जाएंगे, उतनी ही ज्यादा चीजें आपके लिए ईजी और universal work on that will come to you. attract good things, give good energy vibes to each and everyone. Baaki sari cheeze sort ho jayegi. So thank you so very much for that. Abhi ke liye itna hi, thank you.